हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 3rd of May से लेकर 5th of May तक के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। एक बुक आई है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इसमें जो इंडिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियर पावर की डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में लिखा हुआ है। जैसे कि होमी जे भाभा हो गए, APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, तो इनकी बायोग्राफी यहाँ पर लिखी हुई है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन जो बुक है। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? इसकी ऑथर है सौम्या अवस्थी। ऑथर कौन है? सौम्या अवस्थी। और इसकी जो फर्स्ट कॉपी थी, वो फर्स्ट कॉपी किसको दी गई है? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। इनको इसकी फर्स्ट कॉपी जो है वो दी गई है, राइट। नेक्स्ट है IREDA, ग्रांटेड विच स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज। IREDA क्या है? इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, राइट। तो इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने नवरत्ना कंपनी का स्टेटस दिया है, राइट। कौन सी कंपनी का स्टेटस दिया है? नवरत्ना का। होते हैं ना अलग अलग स्टेटस, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना। तो IREDA को कौन सा स्टेटस मिला है? नवरत्ना कंपनी का स्टेटस मिला है, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली AEO स्टेटस हैज बीन गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू विच सेक्टर। AEO स्टेटस रिसेंटली दिया गया है। AEO की फुल फॉर्म क्या है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, राइट। AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया गया है। कौन से सेक्टर को दिया गया है? और ये स्टेटस दिया गया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को। कौन से सेक्टर को? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को रिसेंटली AEO स्टेटस दिया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब AEO स्टेटस में क्या होता है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, इसमें होता है जो कस्टम चेक्स वगैरह होते हैं ना, वो इजीली क्लियर हो जाते हैं जिस सेक्टर को AEO स्टेटस मिला होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? क्विकर क्लियरेंस मिल जाएगा, जैसे कस्टम का होता है तो इजीली क्लियरेंस मिल जाएगा। सिक्योरिटी इनकी थोड़ी इन्हांस होगी। इसके साथ ही जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स वगैरह है, उनके साथ जो अलाइनमेंट होगी वो भी इजी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है कृष्णा एला। नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कृष्णा एला। ये कितने टाइम के लिए बने हैं? ये बने हैं 2 ईयर्स के लिए, राइट। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आधार सी पूनावाला। कौन थे? आधार सी पूनावाला इससे पहले प्रेसिडेंट थे। ये 2019 में ये बने थे, 19 से लेकर 24 तक ये रहे हैं प्रेसिडेंट, राइट। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन है? को फाउंडर है, CEO है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, आधार सी पूनावाला। इससे पहले ये प्रेसिडेंट थे और अब बन गए हैं कृष्णा एला, राइट। कृष्णा एला कौन है? He is the co-founder and executive chairman of Bharat Biotech. Bharat Biotech के ये CEO है, right? Next है, name India Today's AI anchor who wins Global Media Award. Global Media के 2 awards इनको मिले हैं। India Today की AI anchor है, AI based anchoring ये करती है। नाम क्या है इसका? सना, right? नाम क्या है? सना नाम है। कौन से 2 अवार्ड मिले हैं ग्लोबल मीडिया एसोसिएशन के? लंदन में ये हुआ था अवार्ड सेरेमनी। तो इसमें 2 अवार्ड इनको मिले हैं सना को। कौन से? एक है बेस्ट यूज ऑफ AI इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी का, और दूसरा मिला है बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर AI लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ये 2 अवार्ड इसको मिले हैं, राइट।
नेक्स्ट है हु वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स फॉर द प्रोविंस ऑफ ब्यूनोस एरेस 2024 एट द एज ऑफ 60। तो लास्ट ईयर ही ये जो मिस यूनिवर्स पेंजेंट होता है इन्होंने एज लिमिट जो थी वो हटा दी थी कि मिस यूनिवर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं होगी। तो इस साल 60 ईयर्स की एज में जो अलेजांड्रा मेरिसा है ये बन गई है मिस यूनिवर्स फॉर द प्रोविंस ब्यूनोस एरेस। ये कहाँ पे है? ये है अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, राइट। नेक्स्ट है गौरव शर्मा अवार्डेड ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय यूएस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में, यूएस की यूनिवर्सिटी में ने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया है। किसको? गौरव शर्मा को। कौन से कैटेगरी में ये दिया गया है ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड? ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया गया है इनको कौन से कैटेगरी में? स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ये पावर लिफ्टर है। गौरव शर्मा कौन है? ये पावर लिफ्टर है। तो इन्होंने 2016 के अंदर जो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी इंग्लैंड में, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और 2007 के अंदर जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी न्यूजीलैंड में, उसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इसीलिए अब इनको यूएस की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री जो है, अवार्ड जो है डॉक्टरेट का, वो इनको दिया है गौरव शर्मा को। कौन सी कैटेगरी में? स्पोर्ट्स कैटेगरी में। पावर लिफ्टर है ये, राइट। नेक्स्ट है हु विंस 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स को, राइट, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन देयर करियर, राइट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उनको ये कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड दिया जाता है। और 2024 के अंदर ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है? गीना जस्टिस को मिला है। किसको मिला है? गीना जस्टिस को मिला है। एंड शी इज फ्रॉम द केरला। कहाँ से है ये? केरला से। केरला में कहाँ से? थिरुवनंतपुरम से है, राइट। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट ये एक बुक है, इसके ऑथर का नाम क्या है? तो ऑथर का नाम है शेन वॉटसन, राइट। ऑथर है शेन वॉटसन। नेक्स्ट है नेम द गर्ल हु हैज मेड रिकॉर्ड फॉर लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग। लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये जो लड़की है ये 6 ईयर ओल्ड है, ये 6 ईयर ओल्ड है जिन्होंने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। नाम क्या है? नाम है तक्षवी वघान। नाम क्या है? तक्षनी वघान। शी इज़ फ्रॉम गुजरात। कहाँ से है? गुजरात अहमदाबाद से है, राइट। नेक्स्ट है सीता अम्मा टेम्पल इज सिचुएटेड इन। सीता अम्मा टेम्पल ये कौन सी कंट्री में है? ये है श्रीलंका में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था सीता अम्मा टेम्पल? बिकॉज कि ये जो सीता अम्मा टेम्पल है यहाँ पे कॉन्सिक्रेशन के लिए जो पानी है वो कहाँ से लाया गया है? सरायू रिवर से, राइट। जो सेकर्ड वाटर यहाँ पे लाया गया है वो कौन सी रिवर से लाया गया है? सरायू रिवर से। इंडिया में जो सरायू रिवर है वहाँ से, यहाँ से सेकर्ड वाटर जो है लाया गया है सीता अम्मा टेम्पल में कॉन्सिक्रेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट है विच पेमेंट सर्विसेज इंट्रोड्यूसर्स अपग्रेडेड एटीएम्स इन इंडिया। इंडिया में अपग्रेडेड एटीएम्स कौन सी पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस कर रही है? तो नाम है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। हिटाची पेमेंट सर्विसेज जो है ये इंडिया में अपग्रेडेड एटीएम्स लेकर आ रही है। इसमें क्या होगा? इसमें एक ही जैसे एटीएम मशीन होती है उसमें विड्रॉल का और डिपॉजिट का दोनों काम होंगे यूपीआई के थ्रू, राइट। यूपीआई इनेबल होगी ये जो मशीन होगी, एटीएम मशीन होगी, तो इसमें विड्रॉ और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो एक ही टाइम पे हो जाएंगे यूपीआई के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है फी थ्री मिनी। फी थ्री मिनी इज द मॉडल ऑफ विच कंपनी। फी थ्री मिनी क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट एआई मॉडल है। ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट एआई मॉडल है। तो कौन सी कंपनी इसको डेवलप कर रही है? तो इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। फी थ्री मिनी स्मॉलेस्ट एआई मॉडल है, राइट। नेक्स्ट है शेंजू 18 मिशन। शेंजू 18 मिशन ये क्या है? ये एक
स्पेस मिशन है, राइट? कौन सा मिशन है? स्पेस मिशन है। इसको लॉन्च कौन सी कंट्री कर रही है? चाइना। चाइना ने इसको लॉन्च किया है। अब लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? 2F रॉकेट। 2F रॉकेट पे लॉन्च कर रही है। और कौन सी जगह है यहाँ से लॉन्च हो रहा है? जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, राइट? जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, जहाँ से ये लॉन्च होने जा रहा है, राइट? नेक्स्ट है हिगलाज यात्रा। हिगलाज यात्रा ये क्या है? ये एक लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल है। तो कौन सी कंट्री का है? हिंदू फेस्टिवल है तो ये पाकिस्तान का है, राइट? पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है। हिगलाज यात्रा तो पाकिस्तान में एक हिगलाज टेम्पल है, हिगलाज माता का टेम्पल है, हिगलाज टेम्पल है जहाँ पे ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं वो एक यात्रा निकालते हैं। ये 3 डेज की जो पिलग्रिमेज यात्रा है वो होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मड वोल्केनो पे जाते हैं। 3 डेज की ये यात्रा होती है हिगलाज माता की, या वहाँ पे पूजा की जाती है प्रॉपर। ये जो 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये एक है हिगलाज माता, राइट? जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये एक है हिगलाज माता टेम्पल, राइट? अब देखो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में भी हिंदू है। पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2.14% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है पाकिस्तान में भी, राइट? नेक्स्ट है मिलियन मियावाकी। मिलियन मियावाकी ये क्या है? ये एक प्लांटेशन है, यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड लिया जाता है और वहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मिलियन मियावाकी प्लांटेशन। तो मिलियन मियावाकी प्लांटेशन जो है ये कौन सी कंट्री इसको लीड कर रही है? दिल्ली NCR में। अब देखो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पॉल्यूशन को थोड़ा कम करने के लिए वहाँ पे मिलियन मियावाकी जो एक प्रोजेक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारे अब ट्रीज लगाए जाएंगे। और ये जो प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है इसको लीड कौन सी कंट्री की एम्बेसी कर रही है? तो इसको लीड कर रही है इसराइल की एम्बेसी, राइट? कौन सी एम्बेसी? इसराइल की एम्बेसी इसको लीड कर रही है मिलियन मियावाकी प्लांटेशन को, राइट? नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस डेवलप समर्थ ऐप। समर्थ ऐप एक मोबाइल ऐप है, ये डेवलप करी गई है टू स्विफ्टली मोबिलाइज फोर्सेस ड्यूरिंग पोल्स। अब इलेक्शंस चल रहे हैं तो उस टाइम पे जो पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पे कई बार कोई झगड़ा हो जाता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे पुलिस फोर्सेस इकट्ठा करने के लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है जिसका नाम है समर्थ ऐप, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, जो पुलिस है उनको नोटिफिकेशन चले जाएगी और वहाँ पे पुलिस इकट्ठी हो जाएगी वो जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे, राइट? तो कौन सी स्टेट की पुलिस है जिन्होंने ये समर्थ ऐप लॉन्च करी है? तो स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।